न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं उद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, डीएन घाटी, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, अनुपम द बॉर्न डट फाइटर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, बर्दवान के तलित में प्रधानमंत्री की सभा, नरेंद्र मोदी ने तृणमूल माकपा कांग्रेस को तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला पार्टी कहा, साथ ही कहा तृणमूल ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का बना दिया। टीएमसी की सरकार ने यहाँ हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया। मोदी की सभा में रुद्राक्ष की माला लेकर पहुँचे साधु महात्मा को मोदी ने दिया सम्मान, मन से ही किया प्रणाम। मैं यहाँ से आपको प्रणाम करता हूँ जी। वही रानीगंज में शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में तृणमूल के अभिषेक बनर्जी की सभा, यहां भाजपा पर जमकर बरसे अभिषेक, कहा देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। दुर्गापुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर गोली चलाने का आरोप तृणमूल समर्थक गुंडों पर लगा, तृणमूल ने कहा बेबुनियाद आरोप। दुर्गापुर बर्दवान के लोकसभा उम्मीदवार दिलीप घोष और बर्दवान पूर्व के उम्मीदवार असीम कुमार सरकार के समर्थन में बर्दवान के तलित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एक साथ तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और माकपा पर निशाना साधा, उन पर वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि वह लोग देश को बांटना चाहते हैं। केम आचेन दुर्गापुर वासी, आपना देर सकोल के हमारा विनम्र श्रद्धा प्रणाम ओ भारो भाषा। मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा कर सकूं। और आप तो जानते हैं मेरे पास है क्या, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ना ही मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनों के लिए कर रहा हूं। और मेरे अपने मतलब मेरा भारत, मेरा परिवार। इन साथियों, ये टीएमसी, ये लेफ्ट और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे, ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं, और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं है। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। साथियों,
लेफ्ट और कांग्रेस और टीएम के पास विकास का विजन ही नहीं है। इन्हें बस एक ही काम आता है, वोट के लिए समाज को बांटो, देश को बांटो। यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर के रख दिया है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा हिंदुओं को दो घंटे के अंदर भागीरथी में बहा देने की विवादित बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व बर्दवान की सभा से तृणमूल कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति हो गई है। तृणमूल का विधायक दो घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की धमकी देता है। यहाँ जय श्री राम से आपत्ति है, रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है, यहाँ हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को दो घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। साथियों, ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक इंसान से भी बड़ा हो सकता है? क्या ये तुष्टीकरण मानव धर्म से भी बड़ा हो सकता है? क्या हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था? पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके कि खुलेआम अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं। बर्दवान के ललित में पीएम मोदी ने सभा में देखा कि एक साधु महात्मा हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर खड़े हैं, तो पीएम ने अपना भाषण रोककर कहा कि महात्मा जी, आप मेरे लिए प्रसाद लेकर आए हैं। कैमरामैन से उन्होंने साधु से माला लाने को कहा, वहीं मन से ही साधु महात्मा को प्रणाम किया। पीएम द्वारा माला लिए जाने से साधु भी भावुक हो गए। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े, थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसो।
अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेडमिल, एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। आने वाला लोकसभा चुनाव में आसनसोल लोकसभा के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को जोड़ा फूल चिन्ह में वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाए। निवेदक राजू अहलुवालिया। आसनसोल के दुर्गा मार्केट में रिको इलेक्ट्रॉनिक यानी दत्ता बाबू का दुकान, 43 सालों का प्रसिद्ध प्रतिष्ठान। यहां चल रहा है AC मेला। करियर ब्रांड के AC का प्रमुख डीलर रिको इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और होम अप्लायंस 0% EMI सुविधा के साथ। तो जल्द पधारे दत्ता बाबू का दुकान और उठाएं AC मेला का फायदा। रिको इलेक्ट्रॉनिक, दुर्गा मार्केट, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 9933056325। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी रानीगंज पहुंचे। रानीगंज के सियारसोल में सभा से अभिषेक ने केंद्र और BJP पर करारा हमला बोला। अगर ममता जी ने गारंटी दे दिया, जो कि दिया है, कि बंगाल में NRC और CAA लागू नहीं होगा, तो दीदी ये गारंटी है, इसका माने किसी कीमत पे बंगाल में NRC और CAA लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपकी मासे 1-2-3 तारीख के लोग थ्री वंडर पाचे, आज के 3 तारीख, कल के बैंक के जाबे पासबुक चेक करबे, लोग थ्री वंडर डूबे गए छे। আগে মাসে 500 টাকা দিত আমাদের সরকার, মূল্যবৃদ্ধির সময়কালে রান্নার গ্যাসের 500 টাকা দাম 1000 টাকা করেছে মোদী, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 500 টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 1000 টাকা করেছে। আপনি কাকে ভোট দেবেন সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি দেখুন, জনবিরোধী সরকার আধার আর প্যান কার্ডের লিঙ্ক করার নাম করে গরিব মানুষের 1000 টাকা নিয়ে দিল্লিতে চলে যাচ্ছে, আর সেই 1000 টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করে প্রতি মাসে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিচ্ছে, একজন দিচ্ছে আর একজন নিচ্ছে। আপনি কার সাথে থাকবেন যে দিচ্ছে না নিচ্ছে? একজন একজন নির্বাচনের সময় এসে খালি বিনা পয়সায় ভাষণ দিচ্ছে, আর একজন 365 দিন বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে। আপনি কার সাথে থাকবেন যে ভাষণ দিচ্ছে না রেশন দিচ্ছে? মৃত্যুদণ্ড বিক্রি করিনি, বস্তুতা স্বীকার করিনি, মাথা মতো করিনি। আপনাদের সমর্থন থাকবে তো? থাকবে তো? আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের ভালোবাসা কোনোদিন তৃণমূল কংগ্রেস বিফল যেতে দেবে না। আমাদের গলা কেটে দিলেও তৃণমূল কংগ্রেস এই বিরোধীদের কাছে, এই স্বৈরাচারীদের কাছে, এই অত্যাচারীদের কাছে, এই দিল্লির বহিরাগতদের কাছে, বাংলা বিরোধীদের কাছে বর্ষতা স্বীকার করবে না, মেরুদণ্ড বিক্রি করবে না, মাথা নত করবে না, গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বিরোধী। আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর, আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর, আমরা মানুষের জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত কাজ করব। আপনাদের খালি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে আগামী 13 তারিখ গরম যতই বেশি পড়ুক, কষ্ট হলেও, অসুবিধা হলেও,
আমরা চেয়েছিলাম নির্বাচন তাড়াতাড়ি মিটে গেলে মানুষ বাঁচবে। লাইনে দাঁড়িয়ে 43°, 44°, 45°, তাপমাত্রায় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়া কম কষ্ট নয়। আমরা চেয়েছিলাম নির্বাচন তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। 2021 সালের নির্বাচন আপনাদের মনে আছে, কোভিডের সময় আসানসোলের ভোট হয়েছিল, এখন কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ, খুব সম্ভবত সপ্তম দফা ছিল, অষ্টম দফায় ভোট ছিল আর আসানসোলে সপ্তম দফায় ভোট ছিল। 26 তারিখ ইলেকশন ছিল, মানুষকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছিল বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে। শত্রুগণ সিনহাকে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করল। বিজেপি বৈষম্যের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে, বিজেপি বাংলা বৈষম্যের উগ্র রাজনীতি করার জায়গা নয়। কিরায়ে দার হ্যায় জাতি মকান থোড়ি হ্যায়, কিরায়ে দার হ্যায় জাতি মকান থোড়ি হ্যায়, সবই কা খুন হ্যায় ইস মিট্টি মে শামিল, হিন্দু মুসলমান শিখ ঈসাই জৈন বুদ্ধ সবার, সবই কা খুন হ্যায় ইস মিট্টি মে শামিল, হিন্দুস্তান কিসি কা বাপ কা থোড়ি হ্যায়। আসানসোল লোকসভা ক্ষেত্র কে ভাজপা উম্মীদবার সুরেন্দ্র সিং আহলুওয়ালিয়া কে সমর্থন মে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কে এগরা গ্রাম পঞ্চায়েত ক্ষেত্র মে লগায়ে গয়ে পোস্টার ব্যানার ফাড়নে কে আরোপ তৃণমূল পর লগায়া গয়া। ভাজপা যুবা নেতা অভিক কুমার মন্ডল নে শিকায়ত কিয়া কি ব্যানার জানবুঝ কর তৃণমূল কে লোগো নে ফাড়ে হ্যায়। খবর পাকর বড়ি সংখ্যা মে ভাজপা কার্যকর্তা ওর সমর্থক জুট গয়ে। ব্যানার পোস্টার ফাড়ে জানে কো লেকর রানীগঞ্জ থানে মে শিকায়ত দর্জ করাই গয়ি হ্যায়, জবকি তৃণমূল নে ইস আরোপ কো বেবুনিয়াদ বতায়া। এখানে যিনি প্রার্থী রয়েছেন সুরেন্দ্র সিং জি আলুওয়ালিয়া জি এখানে প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন, আমরা সকলে জানি আসানসোল লোকসভার এটা দক্ষিণ বিধানসভার নতুন এগারো গ্রাম, এখানে বেশ কিছু ব্যানার তার সমর্থনে লাগানো ছিল, সেখানে নরেন্দ্র মোদীজির ছবি ছিল এবং আমাদের যিনি প্রার্থী তার ছবি ছিল, তার প্রচারের জন্য এখানে কিছু ব্যানার লাগানো হয়েছিল আমাদের এই জায়গাগুলোতে বাড়িগুলোতে। প্রত্যেকটা ব্যানার আমরা দেখছি, এসে কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম যে প্রত্যেকটা ব্যানার এখানে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, খুলে ফেলা হয়েছে, এখানকার লোকাল কিছু তৃণমূলের নেতৃত্ব এই কাজগুলো করেছে। তো এখানে আমরা তদন্ত চাইছি, মানে এখানে শুধুমাত্র একজনার বিয়ে না, এটা মেনলি হচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি আছে এবং আজ সকালবেলা ব্যানার পড়ানো হয়েছে একটা জায়গায় ব্লেডে করে ছিঁড়ে দিয়েছে প্রত্যেকটা জায়গায়, এরকম ঘটনা ঘটে। আপনারা সাংবাদিকতা করছেন, আপনারা পুরো এলাকা ঘুরে দেখছেন, বিজেপির পায়ের মাটি সরে গেছে, মানুষ 24-এর লোকসভা নির্বাচনে মোদিজি তথা বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, এই অবস্থায় তারা লাইমলাইটে আসার জন্য, প্রচারের আলোয় আসার জন্য তারাই নিজেরা এই সব করে মানুষের সহানুভূতি আদায় চেষ্টা করছে, কিন্তু মানুষ সজাগ। আসানসোল নগর নিগম কে ডিপটি মেয়র ওয়াসিমুল হক কি কোশিশো সে বাবুতলাও ইলাকে কা রহনে ওয়ালা এক লাপতা বচ্চা ফির আপনে পরিবার সে মিল সকা। ঘটনা কে বারে মে জানকারি দেতে হুয়ে ওয়াসিমুল হক নে বাতায়া কি ইস সাল 26 জানুয়ারি কে দিন বাবুতলাও ইলাকে কে রহনে ওয়ালে রেহান কে বেটে আয়ান হায়দ্রাবাদ মে আপনে মামা কে ঘর গয়া থা, লেকিন ওয়াহা ওয়াহ গুম হো গয়া থা। ইসকে বাদ উস বচ্চে কি তালাশ কি কোশিশ কি গয়ি, লেকিন বচ্চে কা কোই পাতা নহি চলা। পরসো উস বচ্চে কে এক রিশতেদার জো কি কলকাতা মে রহতে হ্যায় উনহোনে জানকারি দি কি তামিলনাডু কি পুলিশ एक लापता बच्चे को लेकर कोलकाता के होम आई है। बच्चे से पूछताछ में वह खुद को बाबूतलाव इलाके का रहने वाला बता रहा है। इसके बाद आसनसोल से उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद यहां से उनके रिश्तेदारों को पूरे दस्तावेज के साथ कोलकाता भेजा गया और जब देखा गया यह वही बच्चा है तो कोलकाता के होम द्वारा उस बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तलाश करने में स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं और प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग किया गया और यह बड़ा खुशी की बात है कि आज एक लापता बच्चा अपने माता पिता के पास वापस आ गया। वहीं बच्चे के माँ ने उनके खोए हुए बच्चे को तलाश करने के लिए वसीमुल हक को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वसीमुल हक के प्रयासों की वजह से उनका खोया हुआ बच्चा उनको वापस मिल सका। बच्चा घर आया था कब? 26 जनवरी को। फिर कैसे मिला? काउंसलर का जरिए से मिला, मेहरबानी हम लोग का मोहल्ला का काउंसलर अच्छा हम लोग का मिला जो हम लोग का बच्चा खोज के निकाल दिया। हम बहुत जगह तलाश किए, कोई हमको खोज के नहीं दिए, पुलिस रिपोर्ट भी किए कोई पता नहीं चला, हर जगह सुने खबर किए कोई सुनवाई नहीं हुआ, अपना जानते हर जगह किए
कहूँ पर तलाश नहीं मिला, काउंसलर के जरिए से हम लोग को बच्चा मिल गया। तमिलनाडु की पुलिस एक बच्चा को लेकर आया कलकड़ा होम में, जो बच्चा एड्रेस बता रहा आसनसोल बाबू तालाब का, उनसे हम लोग डिटेल लिया, तो ये बच्चा का नाम घर पता था, फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए, पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग कल यहाँ से कलकत्ता भेजा। चाइल्ड होम से ये बच्चा कल इनके गार्जियन के सपुर्द किया गया। इंतहाई खुशी की बात है कि लंबे समय के बाद बिछड़ा हुआ बच्चा अपने माँ से, अपने गार्जियन से मुलाकात किया है, जिसमें हम लोगों का तमाम यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग को टीएमसी करने वाले सभी का सहयोग रहा इस बच्चा को। सभी लोग उस वक्त से तलाश कर रहे थे अपने अपने जराए के मुताबिक, इसलिए उन लोगों को भी हम लोग हर जगह पर हर इन्फॉर्मेशन जो सबको दे के रखे थे, उनके ज़रिए हमको लोग इन्फॉर्मेशन मिला। हम लोग उनका भी शुक्रगुजार है जिन्होंने कलकत्ता से ये खबर पाते ही हम लोग को फ़ौरन खबर किया, ताकि ये बच्चा अपनी माँ से मिल सके। अल्लाह इसका अजर सवाब उन्हें अता करे। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग अपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसन। आसनसोल में एकमात्र एक्साइट केयर शोरूम पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपको मिलेंगे एक्साइट इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमेटिव और मोटरसाइकिल बैटरी, सोलर पैनल और सोलर बैटरी, UPS एंड SMF बैटरी, एक्साइट न्यू ई रिक्शा 12 महीने के EMI सुविधा। तो जल्द पधारे पोद्दार बैटरी एंड कंपनी लिमिटेड, 35 GT रोड, दुर्गा मंदिर, उषाग्राम, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधित इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस, ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। हेलो, अरे कल रात्रि वाला ওখানে আমার উপরে রাতের বেলা গুলি চলে গেছে, বুঝলি ভাই, হাইডিং হয়েছে আমার উপরে রাতের বেলা। আর কে থাকবে ওই
भाजपा नेता अतुल बागदी पर गोली चलाने का आरोप तृणमूल आश्रित अपराधियों पर लगा है। हालांकि भाजपा नेता को गोली नहीं लगी, वह बाल बाल बच गए। कल रात दुर्गापुर के एक ट्रंक रोड के पास हुई इस घटना से चुनाव से पहले इस्पात नगरी में तनाव फैल गया। अतुल बागदी बीजेपी के मंडल एक के उपाध्यक्ष है। देर रात करीब 2:20 में भोला पासवान तृणमूल कार्यकर्ता लापरवाह ढंग से कार चलाने लगा। सुनते ही अतुल बागदी ट्रंक रोड के पास पहुंचे तो कथित तौर पर तृणमूल कार्यकर्ता और उनके गिरोह ने उन पर गोलियां चलाई। भाग्य से वह बाल बाल बच गए। इसी बीच बीजेपी नेता ने पूरी घटना को अपने फेसबुक पर लाइव कर लिया, जिसे लेकर दुर्गापुर में काफी तनाव फैल गए। ए जोन फाड़ी की पुलिस तुरंत पहुंची। पुलिस सामने की दुकान का सीसीटीवी फुटेज देखकर जांच कर रही है। इस घटना का विरोध करते हुए और आतंक मुक्त चुनाव की मांग करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की सुबह विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप को बेबुनियाद बताया। कल के रात्रि बेलाई बाड़ी घुमाई तहन 2:15 / 2:20 এরকম বাজবে বাড়িতে ঘুমানোর টাইম ভাইরা আমাদেরকে ডাকে এরকম কোন চার চাকা নিয়ে আসে ওদের উপর আক্রমণ করছিল। যে আমি আসার পরে যখন আমি উপরটায় দাঁড়াই এই জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়ানোর পরে দেখছি এখান থেকে একটা চার চাকা আসছে। দিয়ে যখন ভাইরা বলে যে ওই চার চাকাটাই ছিল, এই চার চাকাটাই ছিল, এমনি করছিল, তো করতে করতেই কী হলো চার চাকাটাকে দেখে আমরা ফলো করে আমি এই এই প্লেসে দাঁড়াই, এই জায়গাটায় যখন দাঁড়াই তখন ওই চার চাকাটা এই এই প্লেসে যখন এসছে, ও একবার ভাবলো এইদিকে যাবো, একবার ভাবলো ওইদিকে যাবো, তো যেতে যেতে এই সাইড থেকে আসার পরে এখান থেকে একটা ফট করে আওয়াজ উঠে, তখন আমি বুঝে গেলাম ফায়ারিংটা করেছে। যে আমরা ধর 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 করে সেই চিল্লাচিলি করি, চিল্লাচিলি করতে করতে সামনে যে সিকিউরিটি গার্ড থাকে এখানে রাত্রেবেলায় তাকে পর্যন্ত মারে ওই গাড়িটা দিয়ে ধাক্কা মারার পরে গাড়িটা এখান থেকে সোজা বেরিয়ে চলে যায়। আপনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিই? আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে, নাহলে এর আগেও দুবার যখন এখানে এসছে ওদেরকে মারার জন্য, তো এত রাত্রেবেলায় তৃণমূলের যে ছেলেগুলো আসছে, তৃণমূলের যে ছেলেগুলো আসছে কালকে আমাদের জানে যে আজকে মোদিজির প্রোগ্রাম আছে বর্ধমানে, সেই প্রোগ্রামটিকে যেন ভুষ্ট করা যেতে পারে, সেই প্রোগ্রামটা লক্ষ্য করে যেন প্রোগ্রামটা না হয় আমরা এখান থেকে না যেতে পারি, তার জন্য একটা প্ল্যানিং চলছিল, কিন্তু সেই প্ল্যানিংটা সফল করতে পারিনি কালকে। তো অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে? অল্পের জন্য মানে বলতে গেলে ভগবানের দিন রয়েছে, মানুষের আশীর্বাদ রয়েছে, কারো কখনো ক্ষতি করিনি, তার জন্য আমি বেঁচে গেছি। পুলিশকে সেটা জানিয়েছিল? পুলিশকে ফোন করা হয়েছিল, পুলিশকে জানানো হয়েছে, পুলিশ পরে এসেছিলেন, ওর বাড়ি গিয়েছিল, বাড়িতে ও ছিল না। কে, কি নাম তার? ভোলা পাসওয়ান। शुक्रवार को जिला भाजपा लीगल सेल ने आसनसोल कोर्ट मोड़ स्थित निर्वाचन कार्यालय में आसनसोल लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में बैठक किया। आसनसोल भाजपा लीगल सेल के कन्वेनर बाबू घटक ने कहा कि इस चुनाव में लीगल सेल भाजपा कर्मियों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर कार्य कर रहा है। भाजपा लीगल सेल के को कन्वेनर विनोद सिंह सोलंकी ने कहा, आसनसोल लोकसभा भाजपा प्रत्याशी श्री अहुवालिया जी के आसनसोल सीट से जिताना है और मोदी जी को कमल का उपहार देना है, या बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। के प्रायोजक हैं उद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, बीएन घाटी, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, अनुपम द बॉर्न डट फाइटर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, ट्रेड एंड ड्राइव,